हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल पीएन मोटर वर्ल्ड। सो गाइज, आज हम करने वाले हैं डिटेलिंग रिव्यू इस स्कूटर का, जो कि सुजुकी की तरफ से आता है। 125 एक्सेस है ये, जो अभी हाल ही में न्यू लॉन्च हुई है 2023 में। क्या कुछ नया फीचर आता है, क्या कुछ कॉस्मेटिक चेंज किए गए, सारा सब कुछ कवर करने वाले इस वीडियो में। क्या माइलेज है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या टायर साइज़ है एंड क्या कुछ नया देखने को मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, तो सारी चीज़ें कवर करेंगे। चलिए फ्रंट से करते हैं इसका डिटेलिंग रिव्यू स्टार्ट। तो जैसा कि आप फ्रंट में देख सकते हो, यहाँ पे आपको हेडलाइट के ऊपर क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगी, जो कि मिरर में भी आपको पूरा क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिल रहा है, उससे ये मैच किया गया है। एंड हेडलाइट आपको पूरा मतलब स्क्वेरिश टाइप का देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको फुल्ली LED हेडलाइट सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि लो बीम में आपके यहाँ पे दो लाइट ग्लो होगी, ड्यूल चैम्बर आप बोल सकते हो, एंड हाई बीम पे ये नीचे वाला भी ग्लो होना चालू हो जाएगा। बहुत ही अच्छी ब्राइट LED हेडलाइट देखने को मिल जाती है आपको। ठीक हेडलाइट के नीचे आपको यहाँ पे सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाता है क्रोम एलिमेंट्स में। एंड वहीं पे बात करें इंडिकेटर्स की, तो इंडिकेटर आपको हाइलोजन में देखने को मिल जाता है, बट DRL जो है ना यहाँ पे, वो आपको LED में ही देखने मिलती है। बाकी इंडिकेटर खाली हाइलोजन देखने को मिलता है, एंड पूरा तो आपको LED ही देखने को मिलता है। एंड बात करें इसके पैनल की, तो ये पार्ट जो है ये आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है, बाकी साइड पैनल जो दोनों साइड के है एंड ये फ्रंट मडगार्ड, वो सारी चीज़ें मेटल में देखने को मिल जाती है आपको। अभी बात करें फ्रंट टायर साइज़ की, तो आपको फ्रंट टायर 90x90 का देखने को मिल जाता है। एंड ये गाड़ी का टॉप एंड वेरिएंट है, तो आपको इसमें डिस्क देखने को मिल जाता है। बात करें अलॉयज साइज़ की, तो फ्रंट में आपको 12 इंचेस के अलॉयज देखने को मिलते हैं। बात करें साइड प्रोफाइल की, तो जैसे ही आप साइड प्रोफाइल की तरफ जाते हो, तो रियर साइड पैनल पे आपको बड़ा सा एक्सिस का बैजिंग देखने को मिलता है, एक्सिस 125 राइट कनेक्ट एडिशन। तो गाइस, कनेक्ट एडिशन क्या है वो मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूँ बाद में, पहले आप वॉक अराउंड में सारी चीज़ें देख लो क्या है क्या नहीं है। तो साइड प्रोफाइल में सबसे पहले आपको एक्सिस 125 का एलिमेंट देखने को मिल जाएगा, फिर ठीक उसके नीचे आपको एग्जॉस्ट मफलर भी क्रोम में देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा साइन कर रहा है। एंड यहाँ पे आपको पिलियन फुट पेग्स देखने को मिल जाता है रबराइज्ड। एंड रियर लुक की बात करें, तो रियर में आप देख सकते हो यहाँ पे E20 की बैजिंग दी गई है, ये क्या है ये भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक ग्लॉस कलर में ग्रेबरेल दिया गया है। एंड यहाँ पे आपको फ्यूल नॉब देखने को मिल जाता है, एंड ये आपको टेल लाइट, यहाँ पे भी सुजुकी की बैजिंग, एंड ये इंडिकेटर्स साइड में ये भी हाइलोजन है। यहाँ नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, एंड वहीं पे साइड में भी आपको ऑरेंज रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं दोनों साइड पे। एंड इस साइड की बात करें, तो आपको यहाँ पे लेडीज़ फुट रेस्ट देखने को मिल जाता है, उस पर भी सुजुकी की बैजिंग की गई है। एंड बात करें रियर टायर की, तो आपको रियर टायर 90x100 सेक्शन का देखने को मिल जाता है। एलॉय साइज़ की बात करें, तो 10 इंचज़ की एलॉयज आती है। एंड रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, एंड फ्रंट में डिस्क ब्रेक, यहाँ पे आप देख सकते हो किक दी गई है। यहाँ पे इंजन पे भी सुजुकी की बैजिंग, 125cc का इंजन देखने को मिल जाता है आपको इसमें, BS6 इंजन E20। सो गाइस, यहाँ पे E20 की बैजिंग क्यों दी गई है मैं आपको बताता हूँ। क्या है, अभी आने वाले टाइम में 80% पेट्रोल रहने वाला है, 20% इथेनॉल हो जाने वाला है, तो ये गाड़ी फ्यूचर प्रूफ रहने वाली है, क्योंकि ये वो पेट्रोल पे भी चलेगी, मतलब इसके लिए ये E20 की बैजिंग यहाँ पे दी गई है। एंड वहीं पे आप देख सकते हो सीट काफ़ी यूज दी गई है, इतनी यूज सीट किसी भी स्कूटर में नहीं आती है, देख सकते हो आप साइज़ देख सकते हो आप एक बार कितनी बड़ी सीट दी गई है, सीट की कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है। एंड गाइस, बात करते हैं इसके अभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, क्या कुछ है क्या कुछ नहीं, फ्रंट डैशबोर्ड की क्या कुछ स्विचेस देखने को मिलता है आपको क्या कुछ नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लो बीम हाई बीम का स्विच, एंड यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न, एंड वहीं पे इस साइड पे आप देख सकते हो किल स्विच एंड स्टार्टर एक की में दिया गया है। तो इस किल स्विच एंड स्टार्टर की बात हो ही रही है, तो मैं आपको एक बार इस स्कूटर का साउंड भी चेक करा देता हूँ कैसा है कैसा नहीं। ये देखिए कितना प्यारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन हो रहा है। एंड गाइस, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि यहाँ सामने ही रोड है, तो मतलब गाड़ियों का आवाज़ तो आ ही रहा होगा मेरे को पता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, एक बार एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं इसका। तो देखिए एग्जॉस्ट नोट चेक कीजिए एक बार, ज़रूरत पड़े तो हेडफोन यूज़ कीजिए। काफ़ी स्पोर्टी एग्जॉस्ट नोट है। एंड गाइस, बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, क्या कुछ आता है क्या कुछ नहीं, तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिल जाता है, यहाँ पे इंजन टेम्परेचर, यहाँ पे फ्यूल नोटिफिकेशन, यहाँ पे स्पीड, एंड यहाँ पे आपको किलोमीटर रेंज देखने को मिलती है ट्रिप ए ट्रिप बी दोनों में। देखिए ट्रिप बी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स का नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, ये देखिए यहाँ पे और इस साइड पे भी, यहाँ पे इको इंजन वार्निंग लाइट, ये देखिए शायद ही दिख रहा होगा क्योंकि मतलब
बहुत ही ज़्यादा धूप है आज। यहाँ पे मोड बटन जिससे आप सारी चीज़ें सेट कर सकते हो। यहाँ पे सुजुकी की बैजिंग। अगर इस बात करें इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो आपको इसमें 5 लीटर का काफ़ी बड़ा फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 7.8 किलोमीटर का माइलेज आपको देखने को मिल जाता है इस स्कूटर में। एंड गाइस इसकी सीट स्टोरेज की बात करें तो आपको इसमें 21.8 लीटर्स का काफ़ी यूज बूट देखने को मिलता है। तो चलिए उसको ओपन करते हैं, देखते हैं। गाइस ये देखिए, काफ़ी यूज बूट देखने को मिलता है इसमें। फुल फेस का हेलमेट आ जाएगा देखिए। एंड यहाँ पे कुछ फर्स्ट एड किट एंड कुछ टूल दिया गया है आपको, जिससे आप अपनी राइड को और भी अच्छी बना सकते हैं। एंड गाइस फ्रंट में आपको यहाँ पे चार्जिंग पॉट पहले से दिया गया है, जिससे मतलब आप अपने फ़ोन चार्ज कर सकते हो विद ग्लो लाइट। यहाँ पे लाइट ग्लो होती है, ये देखिए पर्पल लाइट ग्लो होती है। एंड यहाँ पे ग्लव बॉक्स दिया गया है, जिसमें आप अपना फ़ोन रख सकते हो चार्जिंग में लगा के। एंड यहाँ पे आपको हुक दिया गया है, जिस पर आप 3 kg का वेट रख सकते हो। एंड यहाँ पे भी हुक दिया गया है आपको, ये देखिए। मतलब स्टोरेज की भी कोई कमी नहीं दी गई है इस स्कूटर में। एंड वहीं पे इसमें एक अलग सा भी फीचर आता है, मतलब साइड कट ऑफ, जो चाइल्ड सेफ्टी पर्पज़ के, मतलब कभी गाड़ी चालू है, मतलब बच्चे ना चालू कर दे गाड़ी स्टैंड पे हो फिर भी, तो इसके लिए साइड कट ऑफ आपको देखने को मिल जाता है। जब ये स्टैंड नीचे होगा तो गाड़ी मतलब चालू नहीं होगी, एंड चालू भी होगी तो स्टैंड जैसे ही आप नीचे करोगे गाड़ी बंद हो जाएगी। तो गाइस यही था डिटेलिंग रिव्यू एक्सिस 125 का, E20 वाला मॉडल का, जो कुछ लोग BS7 भी बोल रहे हैं। एंड बाकी ये है तो BS6 ही गाड़ी। कुछ चेंजेस किए गए, जो सारे चेंजेस किए गए थे मैंने आपको बता दिया है। तो मिलते हैं किसी और अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन वीडियो पहुँच सके। एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, तो डू सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं किसी और अलग कंटेंट के साथ।